मैं भारत सरकार नूं पंजाब सरकार नूं ये कहना चाहना कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब की जिहड़ी जथेदारी है उहदे तों मैं अस्तीफा दे दिता। मैं एक नमाणे सिख वजों विचरना, मैनूं भारत सरकार ने जां पंजाब सरकार ने जिहड़ी सिक्योरिटी दित्ती है जां गड्डी दित्ती है वो वापस लै ली जाए, क्योंकि मैं इस सिक्योरिटी नूं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने छोटे जे घर च रहना, मैं अपनी कौम नूं अपने पंथ नूं ये जानकारी देना चाहुंदा कि विरसा सिंह बलटोआ जो लगातार सिंह साहिबान के खिलाफ किरदारकुशी कर रहा है, उस खिलाफ़ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया, उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे किरदारकुशी कर रहा, खास तौर के उत्ते मैनू निशाना बना के, और हुण उस वल्लों नीचता दीआं हद्दां जिहड़ीआं उह पार कर दित्तीआं गईआं ने, सुनेहे भजवाए जा रहे ने मेरे परिवार नूं नंगियां करन लई और मेरीआं तीआं तक नूं फड़न लई, और इह गल्लां बर्दाश्त तों बाहर है। और सब तों वड्डी गल कि उहदी पुश्त बनाई श्रोमणी अकाली दल दा सोशल मीडिया विंग कर रहा, और श्रोमणी अकाली दल दे ओ लीडर जिन्हां नूं टोनी टोनी कहा जाता, जिन्हां नूं पंथक परंपरावां मर्यादावां दा उक्का ज्ञान नहीं है, उहदी पुश्त बनाई कर रहा। विरसे बलटोए तो कोई असी डरन वाले नहीं है, पर श्रोमणी अकाली दल दे थर्ड क्लास दे नेतावां दा और सोशल मीडिया विंग वालों उहदी पुश्त बनाई करना ये मन नूं बहुत दुखी करता है। मेरी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो भी इस मामले च खामोश है, और एहो जी पोजीशन दे विच असी खास तौर पर मैं ये तख्त साहब की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि जिते मैं जथेदार हाँ उत्थे धीआं दा प्यो भी हाँ, इसलिए मैं पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं अपना अस्तीफा भेज रहा और उन्हों कह रहा कि मेरा अस्तीफा प्रवान किया जाए, मेरी जात तक परखी जा रही, मैं थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भजवाए जा रहे, और ये निचता दियां हद्दां पार करनी है। इन्ना घटिया इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचिया नहीं सी। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा जिन्होंने मैनूं पढ़ाया, मैनूं मुक्तसर साहब हैड ग्रंथी बनाया, मैनूं तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार की सेवा सौंपी, और श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार की इस डाचीज नूं सेवा सौंपी। सिख संप्रदावां जथेबंदियां धार्मिक सभा सुसायटियां ने मेरे सिर ते पग रखी, और मैं उन्हां नूं माण दे नाल कहना कि तुहाडी रखी पग नूं मैं बेदाग अपने घर लैके जा रहा, इहनूं दाग नहीं लगन दित्ता। जदों मेरे ते बीजेपी ते आरएसएस दे दल्ले वर्गे इल्जाम लाउण दा जिहड़ा नापाक कोशिश उहदी असफल रही, ते हुण उह घटिया दर्ज दीआं हरकतां जिहड़ीआं उह कर रहा। बस मैं अपनी कौम नूं जानकारी देनी सी, और मैं अपनी कौम तों माफ़ी मंगदा इस सेवा दौरान जे कितें मेथों कोई गलती होई होवे, मेथों कोई किसी प्रति माड़ा लफ्ज़ बोलिया होवे, मैं आखिया मैं चाचक हाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरी संस्था है, मैं अपनी संस्था का हमेशा वफादार रहूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।